अच्छा, आज हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट का एक पॉइंट यहाँ पे नोट करो। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ऊप, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज को यूज करते हुए जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप। आपको याद होगा कि हमने जब डेटा टाइप पढ़ी थी तब हमने कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ी थी और नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डेटा टाइप कहलाती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट इसका, देखो ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड रिजेंबल टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट्स की आपको सबसे अच्छी मिसाल दूँ तो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब आप लोग क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज से मुराद मतलब एक ह्यूमन है। ठीक है, एक इंसान है, उसकी फॉर एग्जाम्पल एज है, उसकी हाइट है, उसका फेस कलर, उसकी दो आंखें, ठीक है, दो कान, ये सारी चीजें क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, और मेथड्स का मतलब होता है आपके पास बिहेवियर्स, फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि उस ह्यूमन का, उस इंसान का कोई भी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल वो खाता है, ठीक है, मतलब ईटिंग, रनिंग, प्लेइंग, ये क्या है? उसके एक्शन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, उनके पास क्या होती है? प्रॉपर्टीज भी होती है और मेथड्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंटिटीज का वर्ड यूज किया है ना, एंटिटी का मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो या जिसके पास कोई ना कोई मतलब ये फंक्शन हो या बिहेवियर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इस ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, बोर्ड मार्कर, ये बोर्ड मार्कर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप मेरे पास ऑब्जेक्ट है, कार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इन सब की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इनके कोई ना कोई बिहेवियर्स, फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज क्या स्पेसिफाई करता है, क्या बताता है कि उसकी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल वो दिखता कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, ये सारी किन चीजों में आ जाती है? प्रॉपर्टीज में आ जाती है। फिर आ जाते हैं मेथड। ठीक है, मेथड क्या डिफाइन करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो मेथड्स क्या बताते हैं कि वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सही है, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है लैपटॉप, उसका उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है? उसका कलर, उसका ब्रांड, उसकी फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क वगैरह जैसे लैपटॉप है, फिर उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी प्राइस कितनी, फिर उसके मेथड्स मतलब बिहेवियर्स में क्या क्या आ जाता है कि वो स्टार्ट होता है, शट डाउन होता है, स्लीप पे चला जाता है, वहां पे हम प्ले म्यूजिक कर सकते हैं और प्ले वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कार। ठीक है, देखो कार की यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब कार का नेम क्या है, कार का मॉडल, कार का वेट, कार का कलर, ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। फिर उसके मेथड्स मतलब उसके बिहेवियर, क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो, स्टार्ट होता है, ड्राइव करते हैं हम, ब्रेक और स्टॉप। सही है, ये सारे क्या है? इनके मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो दो टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होते हैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, बिल्ट इन मतलब जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, आर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स नीड टू बी कॉल्ड टू फुलफिल अ टास्क। इसका मतलब कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जावास्क्रिप्ट ने पहले ही बनाए हुए हैं, उसके अंदर पहले से मौजूद है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके मेथड्स को क्या करना होता है, यूज करना होता है बस, मतलब अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एरे पढ़े थे तो हमने याद है एरे के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था। सही है, इसी तरह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, उसे स्ट्रिंग कहते हैं, उसका भी एक ऑब्जेक्ट है। फिर एक मैथ, मैथ का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम
मैथमेटिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फिर इसी तरह डेट, डेट का भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम आज की डेट या फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है विंडो, एक ऑब्जेक्ट विंडो होता है जिसके हमने मेथड्स कवर किए थे, कौन कौन से, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, हाँ प्रॉम्प्ट, अलर्ट, नहीं मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट और अलर्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये किसके मेथड्स हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, मतलब उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर्स हैं, सही है। फिर दूसरी टाइप है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की, कस्टम ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ये कस्टम ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो डेवलपर क्रिएट करता है, देख रहे हो, आर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हम क्रिएट करते हैं, जो यूजर क्रिएट करता है, विच द डेवलपर एक्सप्लिसिटली क्रिएट्स इन द स्क्रिप्ट। एक्सप्लिसिटली का मतलब कि जो हम बनाते हैं, मतलब जो यूजर क्रिएट करता है, ठीक है, जो पहले से मौजूद नहीं होते, बिल्ट इन नहीं है, कस्टम है, जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब हमारी एप्लीकेशन क्या काम करे उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं, सही है, क्लियर है। फिर देखो यहां पे आप कह रहा है क्रिएटिंग कस्टम ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, सही है, मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम एक कीवर्ड यूज करेंगे। जिस तरह आपको याद होगा हमने एरे पढ़े थे तो उसके अंदर हमने एक कीवर्ड यूज किया था एरे का, सही है, तो मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम ऑब्जेक्ट का एक कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अब हम ऑब्जेक्ट के साथ एक और कीवर्ड भी यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, न्यू, ठीक है, न्यू भी एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं ड्रीमवीवर में और इसमें फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ वॉर और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ कार, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद न्यू का कीवर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सही है। देखो ऑब्जेक्ट का कीवर्ड इस तरह से, सही है, ये मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, सही है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इनको मेथड्स और प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूं कार डॉट, ठीक है, डॉट करके हम प्रॉपर्टी देते हैं। तो मैं इसको कहता हूं कार का नेम है फॉर एग्जांपल यहां पे, ठीक है, कोरोला एक्सएलआई, ठीक है। फिर इसके बाद इसी कार का फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कलर, ठीक है, और कलर हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, सही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कार डॉट, ठीक है, यहां पे हम इसको कह देते हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी कौन सी थी, सही है, ये कंपनी आ गया, ठीक है। और इसके बाद कार में हम और कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया नेम कलर कंपनी और उसकी प्राइस, ठीक है, हम यहाँ पे कार की प्राइस फॉर एग्जांपल दे देते हैं। देखो बाकी सारे स्ट्रिंग्स थे, यहाँ पे मुझे क्योंकि नंबर देना है तो मैं किस में दूंगा, इंटीजर में, ठीक है, मतलब इंटीजर में मैं यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ, सही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मेरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। देखो यहाँ पे ये मैंने अभी चार क्या बनाई है, प्रॉपर्टीज, बस मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया, मतलब इसका मेथड नहीं बनाया। तो मैं एक मेथड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मेथड का मैं नाम रखता हूं यहां पे डिस्काउंट, सही है, और डिस्काउंट को मैं बराबर करता हूं फंक्शन, ठीक है, और यहां पे मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे ये क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट है हमारे पास, मेथड है, फंक्शन है, किस ऑब्जेक्ट का, कार ऑब्जेक्ट का, सही है। ये जो मैंने चारों डिफाइन किया था अभी यहाँ पे, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, और ये मैं क्या बना रहा हूं, मेथड बना रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं, किसका, इस कार के ऑब्जेक्ट का, सही है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इस एक्शन, यहां पे एक्शन एक परफॉर्म करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेथड कॉल हो ना तो मेरे पास डिस्काउंट मुझे मिले, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाता हूं अमाउंट इज इक्वल टू, और यहां पे कहता हूं कार डॉट प्राइस, मतलब कार की जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है,
उसके अंदर से मैं 5000 माइनस करवा रहा हूं, सही है। तो मतलब ये जो अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, इसमें से कितने कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा उसे, 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, सही है। तो मैं यहां पे आके क्या करता हूं, इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल करवाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। यहां पे मैं किसको कॉल करवाऊंगा, कौन से वेरिएबल को, अमाउंट का वेरिएबल, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, डिस्काउंट है, डिस्काउंट रेट है, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको कॉल करवाना है, ठीक है। तो कॉल मैं किस तरह से करवा सकता हूं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है। और यहां पे आके मैं इसको कहता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे आप डिस्प्ले करवाओ कार डॉट उसका नेम, सही है, बस सिंपल। तो यहां पे आके अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे आके हम ये ऑब्जेक्ट्स के नाम से मैंने सेव करवाई थी फाइल, इसको ओपन करते हैं। यहां पे देखो नेम उसने क्या रिटर्न किया, ठीक है, मतलब जो हमने नेम उसमें सेव करवाया था उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमें उसने रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसकी इसके साथ ही कार डॉट नेम के साथ कार की प्राइस, फॉर एग्जांपल कार डॉट प्राइस, ठीक है, तब मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा। अच्छा देखो, कार की प्राइस तो डिस्प्ले हुई लेकिन यहां पे स्पेस नहीं आया, तो मैं यहां पे इस तरह से एक स्पेस दे देता हूं, सही है। तो अब यहां पे जाके अगर डिस्प्ले कर रहा हूं तो देखो कार आया और उसकी प्राइस आई, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो जो मैंने डिस्काउंट का फंक्शन बनाया था, अगर उसको मुझे कॉल करवाना हो, ठीक है, तो मैं किस तरह से कॉल करवाऊंगा, इसी के बाद इस तरह से प्लस और ये स्पेस, और यहां पे अब मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं कार डॉट। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे मैंने इस फंक्शन को क्या करवाया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया हुआ है, देख रहे हो। तो मुझे इस फंक्शन को जब मैं कॉल करवाऊं तब मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इसको डायरेक्ट भी कॉल करवाऊं ना यहां पे, फॉर एग्जांपल ये देखो मैं यहां पे वो दे देता हूं प्लस ताकि एक स्पेस आ जाए, ठीक है, और मैं यहां पे जस्ट अपने क्या नाम है ऑब्जेक्ट कार और उसके फंक्शन का क्या नाम है डिस्काउंट, बस इस तरह से अगर इसको सेव करूं और यहां पे जाके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं तो देखो, ठीक है, मतलब डिस्काउंट रेट हमारे पास एक्चुअल प्राइस इसकी क्या थी ये, और डिस्काउंट रेट हमारे पास आ गई, सही है, मतलब उसके अंदर से 5000 क्या हो गए माइनस हो गए, ठीक है। अच्छा देखो, एक तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोडिंग के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए, देख रहे हो, मतलब इनको जो मैंने नाम दिया वो कोडिंग के जरिए दिया। अगर मैं यूजर से प्रिंट करवाना चाहूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल हमने अभी कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, चार, और एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, फंक्शन को हमें देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे चार दफा फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल बनाता हूँ, एक का नाम रखता हूं एन, सही है, और इसमें प्रॉम्प्ट, सही है, इसको मैं प्रॉम्प्ट करवाता हूं और इसके अंदर क्या कहता हूं मैं, एंटर नेम ऑफ कार, ठीक है, सिंपल। और यहां पे इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे आके अब मैं इसको दे देता हूं सी, ठीक है, मतलब कलर। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं एंटर कलर ऑफ कार, ठीक है, और यहां पे आके अब क्या है कंपनी, तो मैं इसको सी ओ एम पी कर देता हूं और यहां पे इसको कहता हूं एंटर कंपनी ऑफ कार, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे आके लास्ट क्या रह गया हमारे पास, प्राइस, सही है। अच्छा देखो, प्राइस हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किसके थ्रू, पार्स इंट के थ्रू, सही है। तो मैं इस फंक्शन को यहां पे, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट का फंक्शन है, इसको किस फंक्शन में बंद कर रहा हूं, पार्स इंट के फंक्शन में कर रहा हूं। और देखो यही जो चार मैंने वेरिएबल बनाए ना, ठीक है, एन सी मतलब नेम के लिए, फिर कलर के लिए, फिर कंपनी के लिए और फिर प्राइस के लिए, इनको मैं इनकी जगह पे कॉल करवा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से अब कोरोला एक्सेल आई हटाता हूं और यहां पे मैं दे देता हूं, ठीक है, एन का वेरिएबल, मतलब जो भी यहां पे यूजर टाइप करेगा नेम ऑफ कार, वो किस वेरिएबल में चली जाएगी, एन के वेरिएबल में चली जाएगी। और एन का वेरिएबल मैं किसको पास करवा रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी को पास करवा रहा हूं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहां पे आता हूं मैं, इसको सी का वेरिएबल, सही है,
और यहाँ पे जो कंपनी का नाम है इसको मैं कौन सा वेरिएबल था मेरा COMP, सही है, और यहाँ पे प्राइस का, ठीक है, यहाँ पे आ गया, बस बाकी सारी चीजें आप सेम ही रहने दो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करवाऊँ, ठीक है, सेव करवाऊँ इसको और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी मुझसे क्या मांग रहा है, एंटर नेम ऑफ कार, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ मेहरान, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ हम वही नाम रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, XLI, ठीक है। कलर ऑफ कार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ व्हाइट, ठीक है। कंपनी ऑफ कार, ठीक है, यहाँ पे आके इसको ओके करता हूँ। फिर अच्छा देखो हमने चेंजिंग नहीं की सब में, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी को तो किया था हमने, यहाँ पे हमने क्या करना है, एंटर प्राइस ऑफ कार, ठीक है, ताकि मैसेज हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट शो हो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे अब मैं नेम ऑफ कार XLI, ठीक है, कलर व्हाइट, ठीक है, कंपनी, सही है, और प्राइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही प्राइस दे देते हैं हम, ठीक है। देखो आ गया यहाँ पे तीनों चीजें, मतलब अब यूजर की इनपुट से आया है, अब हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अभी एक तरीका था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, देख रहे हो, यहाँ पे ये जो हमने क्रिएट किया ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल, और इस दफा मैं बनाता हूँ बाइक, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब थोड़ा सा तरीका देखना, ठीक है। और यहां पे अब हम देंगे फॉर एग्जाम्पल, अब हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का नाम देंगे, मतलब प्रॉपर्टी का नाम फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है। यहां पे हमारे पास नेम क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल बाइक का हम नेम कह देते हैं इसको CD70, ठीक है। और यहां पे उसके बाद कलर, सही है, देख रहे हो चेंजिंग, देख रहे हो थोड़ी, मतलब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट उस तरह से क्रिएट नहीं किया, सही है। यहाँ पे आता हूँ इसका कलर फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे आके और कौन कौन सी चीजें दी थी हमने ऊपर, कंपनी, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंपनी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्राइस, ठीक है, और प्राइस मैं इसको देता हूँ 50,000, सही है। और अब यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले दूंगा फंक्शन का नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ डिस्काउंट बाइक, ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है, सही है। और यहाँ पे अब मैं इस तरह से देख रहे हो, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बस, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन बनाने का। तो यहाँ पे मैं उसी तरह कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वॉर इसका नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट टू, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, बाइक डॉट क्या नाम है, ठीक है, इसकी प्राइस का मुझे डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4,000 का डिस्काउंट, सही है। और यहाँ पे उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे आके इसको मैं क्या करवा देता हूँ, मेरे वेरिएबल का नाम है अमाउंट टू, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, और इसके अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, बाइक का डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पे आता हूँ, ये मेरे पास अब कंप्लीट हो गया, देख रहे हो, ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आके फॉर एग्जाम्पल उसी तरह आप कर सकते हो कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने अभी ये कार के लिए बनाया, मतलब यूजर से इनपुट करवाया, तो आप क्या करो, आप इन्हीं चारों वेरिएबल्स को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं फॉर एग्जाम्पल इन सब के आगे आप क्या लगा लो, बी, ठीक है, तो आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, बाइक के लिए, सही है। और यहाँ पे मैं आप कार की जगह क्या लिख देता हूँ, सही है, सिंपल, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं
ये जो कार का प्रॉम्प्ट था इसको कमेंट कर देता हूँ, वरना कार के लिए भी मांगेगा। सही है, मुझे कार के लिए अभी नहीं चाहिए, अब मैं किसके लिए करवा रहा हूँ, बाइक का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने नेम्स दिए ना, तो अब इसकी जगह मैं क्या दे देता हूँ, जो मैंने वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल बी एन है, ठीक है, और यहाँ पे सी एन, ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा था बी सी ओ एम पी, मतलब बाइक कंपनी, ठीक है। देख लेते हैं ऊपर, ठीक है, बी कंपनी, सही है, बी सी ओ एम पी, सही है, और यहाँ पे प्राइस के लिए हमने रखा था बी प्राइस। हाँ, यहाँ पे हमने बी सी के नाम से रखा है, सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, बाइक कलर, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, सही है। अब देखो हमारे पास बिल्कुल सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या हम एक काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने कमेंट किया हुआ था कार के लिए, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास कार की जगह क्या आ जाएगा, बाइक, और यहाँ पे भी कार की जगह बाइक, और ये जो फंक्शन था हमारे पास डिस्काउंट वाला, इसकी भी जगह कार की जगह क्या आ जाएगा, बाइक, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करवाऊ, देखो अब हम कौन से ऑब्जेक्ट का जो दूसरा तरीका है उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अगर सेव करूं, देखो अब एंटर नेम ऑफ बाइक, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ CD70, ठीक है, और यहाँ पे कलर ऑफ बाइक ब्लैक, ठीक है, कंपनी ऑफ बाइक होंडा, और यहाँ पे प्राइस ऑफ बाइक फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक है, यहाँ पे ओके करूं। अच्छा, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्या मसला है, देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया बाइक डॉट डिस्काउंट। अच्छा देखो यहाँ पे ये नेम, ये चीजें तो हमने सही दी हैं, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि डिस्काउंट, हमारे फंक्शन का क्या नाम था, डिस्काउंट बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेव करते हैं और एक दफा फिर चलाते हैं, सेव करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देते हैं दोबारा CD70 ब्लैक, ठीक है, कंपनी प्राइस ऑफ बाइक, देखो अभी भी नहीं आया, देखो क्या मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, अच्छा देखो मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही थी कि हमने, हम कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल करवा रहे हैं, बाइक वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब ऊपर जो हमने वेरिएबल्स बनाए प्रॉम्प्ट के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट के वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ पे, इसके बीच में हमने इसको कमेंट नहीं किया, क्योंकि ये बीच में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है कार वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इससे पहले, ठीक है, कमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे इसको, मतलब इसको हाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है, और अब यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और अब चलाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाइक का नाम CD70, ठीक है, फिर उसके बाद कलर ब्लैक, और यहाँ पे कंपनी होंडा, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस 50,000, ठीक है, अब ओके करता हूँ, तो देखो बाइक का नेम, उसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और उसकी डिस्काउंट प्राइस, सही है। तो ये मसला हो रहा था, बाकी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो दूसरा तरीका हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है, जिसके थ्रू हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बाइक का ऑब्जेक्ट, दो तरीके होते हैं आपके पास ये ऑब्जेक्ट बनाने के, सही है, क्लियर है।